तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आप में से कई सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आपके दिलो दिमाग में चलते रहते हैं और इसी सवालों का जवाब जानने के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख देते हैं, जिसका जवाब देने के लिए मैं ये हर संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे आपके सवाल और मेरे जवाब रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामा यादव और मैं फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन का काम कई सालों से कर रहा हूँ और वहीं से बहुत सारी खबरें लेकर आते रहता हूँ, बहुत सारी जानकारी लेकर आते रहता हूँ कि आपको फिल्मों के अंदर एक्टर के अलावा भी बहुत सारे काम करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और असली नकली उस कार्ड के बारे में भी और ऑडिशन के बारे में ऐसे तमाम मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। चलिए आपके सवाल और हमारे जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। हमारे एक दर्शक है अमित गुप्ता जी, ये लिखते हैं, कई बार इन्होंने ये सवाल लिख चुके हैं। कहते हैं कि मैं एक कैमरा रेंटल हाउस में काम मांगने के लिए गया था, उन्होंने मुझे काम पर रखने की बात भी कह दी कि हाँ भाई हम आपको रखेंगे, लेकिन हम आपको जो है स्टोर रूम में रखेंगे, यानी जो है स्टोर जो संभालते हैं ना कैमरे का, पूरा रेंटल हाउस का जो पूरा कैमरा रहता है वहाँ पे हम आपको स्टोर में रखेंगे। वहाँ पर आपको जो है लिखना पड़ेगा कि भैया आपको कितना आप कैमरा रेंट पे जा रहा है या कौन से कैमरा कहाँ पर आया हुआ है, इसका जो है लेखा जोखा करना पड़ेगा। तो हम आपको स्टोर रूम में नौकरी देंगे, हम आपको केवल वहीं पर रखेंगे, शूटिंग पर हम आपको नहीं भेजेंगे। अभी अमित गुप्ता जी जो है शूटिंग पे भी जाना चाहते हैं, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि वो रेंटल वाले जो है कैमरा रेंटल वाले वो मुझे शूटिंग पर नहीं भेज रहे हैं, तो बताइए मैं क्या करूं। तो अमित गुप्ता जी आपको बता दूं कि ये आपको काम पे रख रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर काम पे लोगों को मिलता नहीं है काम, और आपको काम मिल रहा है तो आप इस काम को करिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर आपको स्टोर रूम में ही काम करेंगे, अरे आप कैमरे के बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे, कई सारे जो लोग वहाँ लड़के आएंगे वो आपसे जो है उनसे आपकी मुलाकात होगी, जान पहचान होगी, और आपको कैमरे का नॉलेज भी होगा, बहुत सारे कैमरामैन भी आएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा है ना कि आपको सारी जानकारी होगी, और जब आपको जानकारी होगी तो आप किसी दूसरी जगह पे भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। और जो है आप देखिए, ये ज़्यादा दिन तक तो आप वहाँ पे स्टोर रूम पे काम नहीं करेंगे, ऐसा तो मैं कहता हूँ आपको, क्योंकि आप जब तक सीख नहीं लेते तब तक आप काम करिए, 6 महीना 1 साल के बाद आपको खुद ही जो है दूसरे जो लोग हैं वो आपको बता देंगे भैया कि हाँ हमारे यहाँ पर जो है काम खाली है, या फिर कोई दूसरा बंदा भी आपके जगह पे आएगा तो आप उसको रख के आप जो शूटिंग पे जा सकते हैं। तो इस तरह का होगा, आप पहले ही डर जाएंगे तो आपका आगे जो है काम बढ़ेगा नहीं। और ऐसा कभी नहीं होता है कि जो स्टोर रूम में काम पे लग गया तो हमेशा स्टोर रूम में ही रहता है भाई, इसी तरह से होती है, नॉलेज आपको हो जाएगा, जान पहचान हो जाएगी, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो जो काम मिल रहा है आप पहले उसे करिए दोस्त, आप काम को छोड़िए मत, ठीक है ना। हमारा दूसरा जो है सवाल पूछी है वो है आयुषी देवी जी ने है, वो पूछी है, बड़ा इनका जो है थोड़ा सीरियस सवाल है, गंभीरता है जो है इनके सवाल में। वो लिखते हैं कि रामा जी बताइए कि मुंबई में लड़कियां सुरक्षित हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार के जो लोग हैं वो कहते हैं, उनके खासकर उनके मामा जी वो कहते हैं कि लड़कियों का वहाँ जो है ना किडनैप हो जाता है और वहाँ पर बहुत छेड़छाड़ के मामले हैं, तो उनका जाना उचित वहाँ पर नहीं है, इसीलिए जो है आयुषी जी को मुंबई जो है नहीं भेजा जा रहा है। देखिए आयुषी जी आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो मैं तो कहूँगा कि आपको आपके परिवार के साथ ही यहाँ पर आना चाहिए, और 18 साल से ऊपर है आप अपना खुद का निर्णय ले सकती हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने परिवार के साथ आइए। अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो परिवार का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब रही बात सुरक्षा की, तो भाई सुरक्षा यहाँ पर तो देखिए, मैं ये हमेशा ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपका जिम्मेदारी लेता हूँ 100% सुरक्षा, ऐसा नहीं होता है देखिए, लेकिन फिर भी जो है मुंबई में जो है कानून का जो है बहुत ज़्यादा जो है ना ख्याल रखा जाता है, लड़कियों के मामले में बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे लड़कियों की पहली सुनवाई होती है, छेड़छाड़ के मामले में अगर कोई पकड़ा गया तो भैया उसके ऊपर बहुत बुरा हालत होता है, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये कम ही है, ऐसा ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर राज्य में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मुंबई में बात करूँगा भाई कि आप खुद जानते हैं कि
मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए अलग अलग राज्यों से कई लड़के लड़कियां आती हैं, तो भाई यहाँ पर सुरक्षा का मामला काफ़ी जो है, यहाँ की पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो करती है, यहाँ पे सुरक्षित लोगों को रहे इस तरह का काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान रखती है, तो आप इतना टेंशन बिल्कुल मत रहिए। मैंने कई वीडियो में बताया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि परिवार के साथ आइएगा तब तो बिल्कुल अच्छा है, अकेले रहने के लिए आती है तो थोड़ा सा जो है गंभीरता होती है, क्योंकि आप जब यहाँ इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक माहौल बनता है जो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, लड़कियों को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन परिवार के साथ रहेंगे। अब पता नहीं आप एक्टर बनने के लिए आ रहे हैं या पता नहीं दूसरा कोई काम यहाँ पर, अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में जैसे आप मेकअप का हो गया या फिर ड्रेस डिजाइनिंग का हो गया या आर्ट में आप करने आ रहे हैं, तो इन सब कामों में कोई टेंशन नहीं होता है, तो आपको फैमिली के साथ अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। हमारे तीसरा जो सवाल है, ये कई लोगों ने जो है हमसे ये पूछा है, कई सारे यूजरों ने हमको लिख के भेजा है कि सर हमने आपकी वीडियो देखी है, आपकी वीडियो देखकर हम अपने कोई बेंगलुरु से, कोई यूपी से, कोई दिल्ली से मुंबई आ चुका है, और अब आप बताइए कि हमें काम कहाँ मिलेगा, अब आप बताइए, आपका नंबर दीजिए, आपका एड्रेस दीजिए। तो बताइए दोस्त, मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें नए और पुराने सभी लोग हैं। मैंने कभी किसी को कहा है कि मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये ऑफिस है, आप आ जाइए, मैं आपको काम देता हूँ, है ना? मैंने ऐसा कहीं वीडियो में कहा है? मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आपको काम कैसे मिलेगा, आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं, इस कामों को कहाँ सीख सकते हैं, मैं हर चीज़ की जानकारी आपको देता हूँ। कई बार मैंने आपको यूनियन के बारे में बताया, कई बार मैंने रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया, ऑडिशन की अच्छी अच्छी जानकारी है। फिल्म इंडस्ट्री में आप एक्टर के अलावा भी बहुत सारा काम करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, कौन कौन सी शूटिंग अभी चल रही है, कहाँ पे आप किन डायरेक्टर से डायरेक्ट मिल सकते हो, कौन सा ऑडिशन अभी चला, इन सब की मैंने जानकारी दी है। तो ये मैंने नहीं कहा है कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको कहीं पे काम पे लगाता हूँ। देखिए, इस तरह का जो काम करता है ना, जो कहता है कि आप आइए मेरे पास आइए, मैं आपको काम देता हूँ, देखिए वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं। ऐसा कोई अगर आपको कह रहा है तो भाई धोखा देने वाले लोग इस तरह का काम करते हैं। और हाँ, हमने कई बार ऐसा कहा है, कई बार कोई हमें इस तरह का प्रोडक्शन हाउस मिला है जो हमें कहता है कि हम अपनी फिल्म बना रहे हैं, या हम अपने कुछ लोगों को हमें ज़रूरत है एक्टर की, या मैंने कई बार अपनी एक प्रोडक्शन हाउस जो हमारे मित्र हैं विनय कुमार जी फन फ्रेंड इंडिया, जो उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर हमने कई बार एक्टिंग करने के लिए कई एक्टरों को पहली बार मौका दिया है कैमरे के सामने, तो वहाँ पर हमने जो दिया है वहाँ पर मैं अपना एक ईमेल आईडी देता हूँ, या हम फन फ्रेंड इंडिया का ईमेल आईडी देते हैं, फिर वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल भेजते हैं, ऑडिशन देते हैं, तब जाके आप सेलेक्ट होते हैं। तो इस तरह का जो हमने एकदम मतलब कि सच जो है उस तरह को सामने हमने रखा है, हम आपके साथ फ्रॉड नहीं करना चाहते। और ये जो आप लोग कहते हो ना बार बार आपकी वीडियो, तो यार मुझे क्यों क्लेम करते हो कि मैंने मेरी वीडियो देखकर, मैंने तो नहीं बुलाया आपको। हाँ, ये बात है, आप अपने काम से आ रहे हैं, कोई दूसरे काम से आ रहे हैं तो ठीक है, आपकी मुलाकात होगी, हमारी भी मुलाकात होगी। अभी आप लोग में से कई सारे लोग जो है, एक अभी आप लोगों के लिए जो है मैं एक अच्छी खबर देने वाला हूँ, खासकर मुजफ्फरपुर वालों के लिए, खासकर बिहार के लोगों के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश वालों के लिए, क्योंकि एक फिल्म जो है अभी बनने जा रही है और उस फिल्म के अंदर कई सारे किरदारों की ज़रूरत है, बन रही है, रेकी चालू है, जिसका अपडेट आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, ये सारी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मुजफ्फरपुर बिहार के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो मैं आपको बताते रहता हूँ, आपको वहाँ पे आना होता है और वो चीज़ें जो है आपको सच में देखना पड़ता है। अब कई लोग क्या है कि इस तरह से बिना सोचे समझे अगर मुंबई पहुँच जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस प्रकार से बोल रहा हूँ, तो फिर भाई नुकसान तो आपका होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका कोई सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा और आने वाली वीडियो में आपको वो जानकारी दूंगा कि आपको इंडस्ट्री में कैसे काम, जो अभी हमारी शुरू होने वाली एक फिल्म कैसे मिलेगा, वो सब मैं आपको बताते रहूँगा। चलिए, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो भाई जो है लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।